हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन और टमाटर का चोखा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, वो भी बिना पानी के। इसके लिए हमने दो बैंगन लिए हैं, दो आलू और दो टमाटर। सबसे पहले हम आलू और बैंगन को छिलकों को उतारेंगे और इसे अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू और बैंगन के छिलकों को अच्छी तरह से उतार लिया है और इसे धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर के ऊपर के हिस्से को हमने भी काट लिया है। ये हमने देसी टमाटर यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसमें रस ज़्यादा होता है, इसलिए संभव हो तो आप देसी टमाटर का ही उपयोग करें। यहाँ पर हमने दो हरी मिर्ची ली हुई है। सबसे पहले हम कुकर में सारी सामग्रियों को डालेंगे। ये देखिए, इसमें हम दोनों टमाटर को डाल देंगे। ये हमारा देसी टमाटर है, इसमें हम नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ेगा। अब दो हरी मिर्च को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे भी हम इससे काट कर डाल देंगे। आप अपने जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची डालें। लहसुन के टुकड़ों को हमने दो हिस्सों में काट लिया है, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक आप डालें। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पानी एक बूंद भी नहीं डाला है। नमक हमारा जब टमाटर और बैंगन पर पड़ा है तो गल कर पानी छोड़ने लगेगा। हम इसे एकदम लो पर बनाएंगे। आँच को हमें एकदम लो रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ढक्कन को बंद कर दिया है, आँच को हमने एकदम लो रखा है। आँच को हमने एकदम लो रखा है, एकदम लो पर हमें इसे पकाना है। जब सीटियाँ हमारे एक सीटी लगा लेंगे तब कुकर को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चोखा हमारा कितनी अच्छी तरह से पका है। इसे हमने लो आंच पर 10 मिनट के लिए पकाया है। एकदम लो आंच हमको रखना है और 10 मिनट हमें पकाया है। एक सीटी लग गया है, हमारा चोखा कितनी अच्छी तरह से गल चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। मेरा चोखा कितने अच्छे तरह से पक गया है। आलू मेरा एकदम अथी हो जा रहा है, मिस आ जा रहा है। अब इसको हम एक छोटे गिलास की मदद से अच्छी तरह से इसको मसल देंगे। छिलकों को हम पहले उतार लेंगे। टमाटर का जो छिलका है हम उसे उतार लेंगे इस तरह से। ऐसा अच्छी तरह से मसलेंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मेरा चोखा कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, यह बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, अच्छा इसमें हमने देसी टमाटर डाला है, इसलिए रस चोखे में रस कितना है। आप जब भी चोखा बनाएं तो देसी टमाटर का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए, इसी तरह हम सभी सामग्री को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चोखे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। थोड़ी सी हम अदरक कूट कर रखी है वो डाल रहे हैं।
अजवाइन डालेंगे, एक चम्मच के करीब आप अजवाइन डालें ऐसे क्रश कर कर। थोड़ी से हम धनिया पत्ता डालेंगे, इससे टेस्ट हमारा चोखे का बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी आप चोखा बनाएं तो अजवाइन और धनिया पत्ता ज़रूर डालें। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं, हमारे घर में प्याज नहीं पसंद करते हैं इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। नमक हम पहले ही डाल चुकी हूँ इसलिए नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप मिला सकती हैं, अगर तीखा कम हो तो आप हरी मिर्च काट कर डाल सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चोखा हमारा बनकर रेडी है। इसमें हमने देसी टमाटर को यूज किया था इसलिए यह कितना रसदार हुआ है देख सकते हैं। इसी तरह आप जब भी चोखा कुकर में बनाएं, झटपट कुकर में बहुत आसानी से आप झटपट चोखा बना सकते हैं। बस आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि आँच को आप लो रखें, और अगर सीटी आप नहीं लगा पा रहे हैं तो 10 घड़ी से 10 मिनट देख लें। 10 मिनट के बाद गैस को आप ऑफ कर दें और कुकर खोलने तक का इंतज़ार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, चोखा हमारा बनकर रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, चोखा हमारा बनकर रेडी है। यह बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।